बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज जुमा था और तेलंगाना रियासत में बहुत सारी मसाजिद में खुसूसी सेक्रेटेरिएट मसाजिद में नमाज के ख़याम के लिए खुसूसी दुआओं की इत्तिलात मिली हैं और शहर हैदराबाद और बहुत सारे अजलाओं में जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से अपील भी तकसीम की गई। मुख्तलिफ मसाजिद में खतीब हजरात ने मसाजिद की अहमियत और उसकी अजमत के ताल्लुक से उम्मत को ख़िताब किया और जो इत्तिलात मुझे मिली है कि लोगों में बड़ा गम और गुस्सा है सेक्रेटेरिएट मसाजिद की शहादत पर और 24 जनवरी 2 बजे दिन बरोज़ इतवार सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की ज़मीन को सजदों से सजाने के लिए नौजवान और उम्मत के गुय्यूर और दीनी हमियत व मिल्लत रखने हमियत रखने वाले असाब वहाँ पहुँचेंगे। मेरी गुजारिश है कि आप अपने घरों से निकले और 2 बजे बरोज़ इतवार 2 बजे ठीक 2 बजे दिन पहुँचे। बड़े बड़े जुलूस और टुकड़ियों की शक्ल में ना निकले बल्कि अलहदा अलहदा पहुँचे। जैसे कि मिलियन मार्च में भी हमने बार बार कहा था कि आप जुलूसों की शक्ल में आ रहे हैं, पुलिस अगर रोकेगी तो आपका प्रोग्राम फेल हो जाएगा। तो आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में दो दो चार चार की कैपेसिटी में वहाँ समझिए कि पहुँचे। फिर 2 तफरीगा आपको तेलंगाना गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट के सामने दी है। एक समझिए कि साहब नेकलेस रोड है, आइए तफरी करिए, आप दुरूद व सलाम वहाँ पढ़िए, एक एक पत्ता समझिए कि उन दुरूद को सुनेगा, कलमे की शहादत को सुनेगा, अल्लाहु अकबर आप कहेंगे तो एक एक पत्ता सुनेगा तो वो पत्ता भी रोज़े महशर गवाही देगा। तो बहरहाल आप आइए, अर्ली आ जाइए, वहाँ पर समझिए कि आइए और कलमा और दुरूद पढ़ते बैठिए, अल्लाह से उम्मत की समझिए कि नुसरत के लिए, मसाजिद को आबाद करने और मसाजिद में समझिए कि सजदों को सजाने के लिए आप घर से निकलेंगे तो आपका हर कदम बाहसे सवाब होगा। और यकीन जानिए ये आपके ईमान की टेस्टिंग का दिन है। और उसी तरह तेलंगाना हुकूमत जो TRS हुकूमत है उसके सेकुलर होने की टेस्टिंग का भी दिन है और पुलिस के गैर जानिबदार रवैये के भी दिन है। हम कोई शर पैदा करने नहीं जा रहे हैं, कोई लाइन ऑर्डर का मसला वहाँ पैदा करने नहीं जा रहे हैं। हम अल्लाह की ज़मीन जो वफ़ कर दी गई है उसको सजदों से सजाने जा रहे हैं। और चीफ मिनिस्टर ने ऑलरेडी समझिए कि इस बात को तस्लीम कर लिया है कि वहाँ मसाजिद है वो बनाएंगे, वो जबी भी बनाना चाहें अपनी सहूलत से बनाए। बनाने की उजलत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वहाँ नमाज का क़याम ज़रूरी है, नमाज शुरू होनी चाहिए चाहे कोई भी हो। मैंने कल भी बात कही थी कि चीफ मिनिस्टर के पास उनकी हाँ में हाँ जाकर जो उलमा और MP साहब और फ्लोर लीडर समझिए मिलाए हैं वो जाकर नमाज पढ़ें। पहली जिम्मेदारी तो उनकी होती थी कि नमाज पढ़ें, लेकिन अफसोस है कि ना हमारे पास कुव्वत है, ना हमारे पास पावर है, ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास हुकूमत की ताईद है, ना हम हुकूमत के अलाई है, लेकिन हमने 1 मिलियन सिग्नेचर कैंपेन चलाई है इन मसाजिद को बचाने के लिए। और वो 1 मिलियन सिग्नेचर कैंपेन एक एक सिग्नेचर आपको अल्लाह के पास उसका अजर अता करेगा। उसी तरह जिस तरह 1 मिलियन सिग्नेचर आपने किया है जिस जोश व खरोश से, उसी तरह आपको इतवार को 2 बजे दिन से पहले वहाँ पर समझिए कि पहुँचना है। पुलिस रुकावटें खड़ी करती हैं तो आपको कोई पुलिस से नहीं उलझना है बल्कि आप अपने मकाम पर दुरूद समझिए कलमा पढ़ते हुए ठहरे। इंशाल्लाह 2 बजे हम वहाँ पहुँच रहे हैं और वहाँ की ज़मीन को सजदों से आबाद करेंगे। ये आपके ईमान का, मिल्ली हमियत का, गीरत का समझिए इम्तिहान है। इंशाल्लाह आपको सेक्रेटेरिएट पर 2 बजे मुलाकात होगी बरोज़ इतवार 2 बजे। आपका अपना इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर का सबसे बड़ा स्टोर अब पोडियम मॉल टोली चौकी पर खुल चुका है। पोडियम मॉल टोली चौकी पर आवाम के लिए स्पेशल ऑफर, 3,000 रुपए आज के जायद की खरीदी पर 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। जल्दी पोडियम मॉल टोली चौकी तशरीफ लाए और इस ऑफर से फायदा उठाएं।